आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। नमस्कार नौटियाल जी, हेलो बलजीत जी, बाईजीत जी, हेलो राजकुमार बग्गा जी, कैसे हैं आप? जय हिंद, जय संविधान जी। गुलाम रसूल जी, आप सबके साथ आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। हमारे पास तो देखिए कितना हम महत्व दे रहे हैं एक व्यक्ति को, है कि नहीं? ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वही है जो आज़ाद भारत में जन्मे। जी हाँ, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले आज़ादी वाले प्रधान सेवक जो हर एक की आज़ादी की बात किस प्रकार करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर, गलत भाषा का प्रयोग कर क्या क्या बातें बोलते हैं, कितनी बातें बताते हैं, हर एक को बताते हैं कि उनको आईना दिखाने का ठेका इन्हें मिला हुआ है, इन्होंने टेंडर उठा रखा है दूसरों को उनकी औकात बताने का, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनको भी इनका स्थान पता लगना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बोल रही हूँ, कुछ इंतज़ार करती हूँ क्योंकि आप लोगों को बता नहीं पाती कि मैं आ रही हूँ, और इस वजह से कुछ लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि लोग जुड़ जाएं। जी फैज़ान अजीम जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी हाँ अब्दुल वहीद जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही पकड़े हैं, जय हिंद। अफरोज आलम जी, आपने कहा वाहिद जी वो व्यक्ति बाल नरेन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट डिवाइडर ऑफ इंडिया। कौन है ये ग्रेट डिवाइडर? वाला जी आप बताइए, आदाब, कैसे हैं? और अब जो है, अब देखिए किस प्रकार हम चुनाव के अंतिम चरणों की ओर चल पड़े हैं। हेलो दीपक तिवारी जी, आप लोग मुझे बताइए, आपने कभी सोचा है कि जो मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, MCC मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, EL हट गया और उसमें I आ गया, है ना? तो ये जो मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इसकी एक और चीज मुझे समझ में कुछ आई नहीं। आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप बताएंगे मुझे इसका मतलब। बिल्कुल, मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि थोड़े दिन की बात है, परंतु EVM का खेल तो जारी रह सकता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु आज एक बड़ी मज़ेदार बात हुई। आज मैं एक कार्यक्रम में गई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति जो थे वे प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ वाले थे। जब कुछ बात हुई और तमाम जो लोग थे उन्होंने बातें कही कि किस प्रकार से डर का माहौल देश में बना है, किसी ने कहा पता नहीं लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, इस व्यक्ति की असलियत मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में आ रही है। तब इस व्यक्ति ने जानते हैं क्या कहा? मैंने कहा भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बड़े सारे लोग आते हैं घुसपैठिए और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करके चले जाते हैं, परंतु अब लोग ज्यादा बोलने लग गए। जानते हैं इन महानुभाव महोदय जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लोग आपसे नाराज होते हैं यदि आप इनके विरुद्ध बोलते हैं। तो भाई हम भी तो नाराज हो सकते हैं यदि आप उनके फेवर में बोले और जिनकी जिनकी हम वकालत कर रहे हैं और आप जो हैं उनकी बुराई करें, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मतलब है ना कि दाल में कुछ गड़बड़ घोटाला है, काली दाल सफेद दाल का जमाना गया, अब तो घोटाले वाली जो दालें होती हैं वो पाई जाने लग गई हैं। जय हिंद वासुदेव त्यागी जी, भारत माता की जय। कितना अच्छा लगता है ना बोल के, एकदम अंदर से मन में खुशी आ जाती है। अब देखिए कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को इतनी नाराजगी हुई, क्योंकि वहां बहुत से लोग बोल रहे थे
कि नहीं अभी डर का माहौल बना दिया गया, लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं क्या कर दिया देश को, देश में टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। और ये सुनकर अच्छा लगा कि जिनका मजाक उड़ाया जाता है, सेक्युलर शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाता है इन लोगों द्वारा, भाई जो शब्द है आप मुझे बताइए उसका मतलब क्या बदल जाएगा यदि कोई कहे कि आप सेक्युलर हैं और इसको गाली की तरह वो बोले। भाई सेक्युलर तो सेक्युलर ही रहेगा ना, उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो यदि धर्म निरपेक्ष है तो धर्म निरपेक्ष ही रहेगा। तो ये लोग कहना क्या चाहते हैं? कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि अंधभक्ति में ये शब्दों को भी गोल मोल तड़ोड़ करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। ये समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से ये विरोध जताएं। और जब इस व्यक्ति ने कहा कि मैं चलता हूँ, आई होप कि मतलब आप लोग को बुरा ना लगा हो, शायद अगली बार मेरे को आने का यहाँ पे ठीक नहीं होगा, तो सबने कहा नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप आए, हम डिसेंट का स्वागत करते हैं। मतलब जो जो हमारे से सहमत नहीं है, जो असहमति जताए, जो दूसरी बात करे, हमारे से विपरीत वाली बात करे, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हरेक के लिए स्थान है। ये कहा ज्यादातर लोगों ने। और कौन है ये ज्यादातर लोग? ये वही वाले सेक्युलर हैं जिनको भाजपाई राइट विंग वाले मोदी भक्त कहते हैं कि ये तो बीमार है, ये सेक्युलर है, ये गुलाम है। मुझे समझ में नहीं आता कि किसने अधिकार दिया है इन्हें जज बन जाने का। आज हमारे देश की स्वायत्त संस्थाओं पर कितने बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, मैं उठा रही हूँ, तमाम लोग उठा रहे हैं। आपको एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप सबको याद है 2002 में गोधरा कांड हुआ, और उसके बाद उसकी वजह से जो कुछ वहाँ हुआ और जो लोग मारे गए, एक धर्म के लोग, हिंदू लोग ज़्यादा मारे गए, उसके बाद रायट्स हुए जिसमें मुसलमान लोग मारे गए, याद है ना आपको ये? तो इस वाले मामले में क्या हुआ था, इस वाले मामले की बड़ी बुराई हुई कि भाई और इसमें तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि मुख्यमंत्री को वे क्या याद दिलाना चाहते हैं, राजधर्म। राजधर्म वाली वो वीडियो यदि आप देखें तो एक कोने में वहां का मुख्यमंत्री खींखी करता हुआ दिख जाएगा। और उस वक्त ये हुआ था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वे इस्तीफा दे दे, परंतु उस वक्त अडवाणी जी ने उनकी तरफदारी करी, उन्हें बचाया, और आज वे क्या भुगत रहे हैं आप और मैं जानते हैं। और इसी वजह से चाहे कोई कुछ भी कह दे, मुझे कोई उनसे सिंपथी नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ, भाई ये तो वही हुआ ना, जो बोओगे वही काटोगे, तो उन्होंने जो बोया वो उन्होंने काट लिया। और इसमें गलती भी क्या है भाई, जब चेला गुरु से आगे चला जाए तो चेला वही करेगा ना जो गुरु ने किया, परंतु गुरु से बेहतर होके करेगा। ये वही है ना जो रथ यात्रा पे उस वक्त भी चले थे और गए थे एक मस्जिद को ढाने के लिए, मस्जिद भी नहीं थी वो, तो स्ट्रक्चर था, और खामखा का एक झगड़ा हो गया। मैं तो हर रोज ये मानती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि ये जो राम जन्मभूमि और मस्जिद वाला मुद्दा है, इसका सल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ये सल्यूशन यदि मिल गया तो इनके पास भुनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा आगे के चुनावों में, और ये हमारे आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल जाकिया जाफरी जी आज तक संघर्ष कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और कई बार मैंने देखा है उनकी जो पुत्री हैं निशरीन जाफरी, उनके मैं जब पोस्ट देखती हूँ या उनके बारे में कोई खबर पता लगती है तो मन कचोटता है कि ये मेरा भारत देश है और यहाँ पे न्याय कब मिलेगा। जी हाँ, और इसी संदर्भ में एक और बात करना चाहती हूँ, और वो बात है उस समय के एक आईपीएस ऑफिसर, उनका नाम संजीव भट्ट है, एक आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने उस वक्त गुजरात में हुए दंगों के विरुद्ध बोला था, इनके विरुद्ध बोला था जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। आपको पता है एक 23 वर्ष पुराने मैटर में उन्हें एक दिन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अभी जुलाई की बात बता रही हूँ। और उस वक्त जो संजीव भट्ट हैं वे बड़े जोर शोर से इनके खिलाफ बिगुल बजा रखी थी उन्होंने, और इनके खिलाफ हर रोज सुबह से शाम तक पोस्ट डालते थे हर सोशल मीडिया पे, और उनका सस्पेंशन हो गया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बहाल करो, उन्होंने इस बाबत कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने कभी ये नहीं मांग कि भाई मुझे बहाल करा जाए मेरी मेरी सर्विसेज में। परंतु एक अजीब सी चीज हुई उनके साथ कि एक अचानक से एक 23 वर्ष पुराने मामले में, और जानते हैं उस वक्त ये 22 वर्ष पुराना मामला था क्योंकि मैं बात कर रही हूं जुलाई 2018 की, उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया और उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई। वे अपनी पत्नी से बहुत समय तक नहीं मिल सके, अपने वकीलों से नहीं मिल सके, फिर जितना मैक्सिमम टाइम लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में हो सकता था, उनकी बेल हियरिंग की एप्लीकेशंस उनके जो वकील हैं वो मूव करते रहे, परंतु उन्हें बेल नहीं मिली। फिर क्या हुआ, फिर सेशंस में गया मामला, फिर वहां पे इसी तरह से मामला लटका रहा। और मैंने तो यहाँ तक सुना था कि ऐसा भी हुआ कि वहां पे ये हो गया कि मैं ठीक से सुन नहीं पाया, जज साहब ने कहा तो फिर अगली तारीख में सुनेंगे। खैर इसी तरह से मामला चलता रहा काफी दिन तक, फिर वहां से भी उन्हें बेल नहीं मिली। फिर सुनवाई के बाद, सुनवाई हो गई थी तो उन्हें बेल नहीं मिली, और उसके बाद ये मामला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी ये मामला, इसमें एडजर्नमेंट्स मूव होती थी, ये मामला जो है टाल दिया जाता था, ये काफी टाइम तक टाला गया, भाई कोर्ट की अपनी मजबूरियां होती हैं, क्यों होती है ना। तो उसके बाद ये जो प्रणाली है ये चलती रही, और फिर आखिर में हाई कोर्ट ने भी उन्हें बेल नहीं दी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस है ना रंजन गोगोई जी, उनके सामने ये मामला आया, तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस पे जल्द से जल्द करके आप इस मामले का निपटारा कर दीजिए, इसमें फटाफट आप जितनी जल्दी से कार्रवाई हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, करके आप इस मैटर को निपटा दें। तो आज वो मैटर अभी कोर्ट में है, अभी उसका निपटारा नहीं हुआ। जानते हैं कब शुरू हुआ था? ये कमाल है ना, इसमें बेल एप्लीकेशन लग रही थी जुलाई शायद 8 या 10 तारीख रही होगी, तब से लेकर अब तक बस उसमें बेल एप्लीकेशंस लगती रही, और वो टलता रहा, वो खारिज होता रहा, फिर ऊपर वाली कोर्ट में गया, फिर वो खारिज होता गया। इसी से तो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, दुनिया परेशान हो जाती है। और इसी बीच क्या हुआ कि इनकी जो पत्नी है श्वेता भट्ट और इनके पुत्र कहीं जा रहे थे गाड़ी में, तो एक गुजरात सरकार की बस या ट्रक कोई ऐसा व्हीकल था जिससे उन्हें टक्कर मार दी गई। तो जिस परिवार के साथ ये सब हो रहा था तो वे और डर गए। और उसके उसके अलावा एक और बात बताती हूँ, कुछ एक मैटर था, मतलब जिस घर में ये रहते हैं इनके जेल जाने के जस्ट पहले, ये स्टार्ट कैसे हुआ था ये तो मैं बताना ही भूल गई भाई आपको, एक कोई मैटर था कि इनके मकान के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया जहां इनका किचन था, और फिर उसके बाद
ये उनकी अरेस्टिंग हुई और ये सब चला। जानते हैं हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसा होता है तो हम क्या सोचते हैं, आप सोच सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सभी त्रस्त है हमारे जो जुडिशियल सिस्टम से कि भाई उसमें तारीख पे तारीख, उसमें हम बड़ी बातें करते हैं। वही जो है अब ये भाजपा के कैंडिडेट है, क्या नाम है इनका, ये 2.5 किलो के हाथ वाला, ये कहते थे ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मगर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, लॉ की स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारे हमें तो ये सिखाया गया भाई, अब जो पढ़ाई ये कराते हैं ना वो असलियत में एप्लीकेबल नहीं होती। आप लोग भी ये कहते हैं ना कि हमारी जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं एप्लीकेबल होती नहीं, हम पढ़ते कुछ है होता कुछ है। हाँ जी, ऐसा ही तो होता है। अब देखिए, पढ़ाया ये गया था कि बेल नॉट जेल इज द रूल, मतलब बेल नहीं, बेल दी जानी चाहिए, जेल में नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसा है कि इस वाले मामले में खैर इन्हें तो भाई कोई ऐसा पता नहीं क्या काम करा इन्होंने 22-23 साल पहले, कि इतने साल तो इनको अरेस्ट नहीं किया गया और अब जब किया तो 1 साल हो गए इनको बेल नहीं मिली। तो मैं मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर कोई आप लोगों में से कोई वकील हो, किसी को लीगल नॉलेज हो तो अवश्य साझा करिएगा हम सबके साथ, क्योंकि मैं तो लॉ की स्टूडेंट ही मानती हूँ स्वयं को और मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। कहा गया था बेल नॉट जेल इज द प्रिंसिपल, और अगर बे और क्या होता है कि बेल क्यों दी जाती है, बेल की जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार मैटर स्टार्ट होते हैं उसके बाद लोग जो है अपियर नहीं करते, तो जो पूरी प्रणाली होती है, पूरा प्रोसेस होता है जुडिशियल प्रोसेस, उसमें डीले हो जाता है, उसमें कार्यवाही ठीक से नहीं होती, क्योंकि जिसको पेश होना है वो पेश नहीं होता, जो अभियुक्त होता है वो आता नहीं, या विटनेस जो है वो नहीं आता। तो इसलिए बेल का ये प्रावधान है कि भाई आपने आके कोर्ट के सामने सरेंडर किया और कहा कि जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आपके सामने आ जाऊंगा। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि यदि कोई व्यक्ति मतलब आने को तैयार है, इतने साल तक वहीं पे है, तो उसको यदि बेल मिल जाए तो वो अपने केस की तैयारी भी करेगा। बेल कब नहीं दी जाती, बेल तब नहीं दी जाती, ये पढ़ाया गया। अब पढ़ाने में और होने में बहुत फर्क है जी, क्योंकि पढ़ाया तो ये गया कि भाई एक बार आपने कोर्ट के सामने आके कहा कि मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा और आप कृपया करके मुझे बेल दे दीजिए, ये मेरी मतलब एक गारंटी की तरह वो देते हैं, होती है ना जमानत के लिए जो कुछ चीजों को दिया जाता है, FD होती है या गाड़ी के कागज होते हैं। अब मजेदार चीज ये है बंधुओं कि जब हमें बेल मिल जाती है तो काम होता है क्या, उसके बाद काम होता है कि आप अपने केस की तैयारी करेंगे, आप अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे ताकि ये जुडिशियल प्रोसेस जो है वो जल्दी से हो सके। परंतु पता नहीं इस वाले मामले में क्या है ऐसा जिसमें चीफ जस्टिस ने भी लोअर कोर्ट को कहा कि भाई इसमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। भाई तो इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो नहीं रही है और उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है, तो बेल नहीं मिल रही है तो बाहर आके वो अपने केस की तैयारी कैसे करेंगे। मेरे मन में ये सवाल आते हैं, यदि आप में से कोई लीगल नॉलेज वाला हो तो अवश्य लिखिएगा, मैं आपकी मैसेजेस को बहुत ध्यान से देख रही हूँ क्योंकि मैं अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ। अब देखिए, ना केवल ये बेल कब नहीं दिया जाता ये सिखाया गया था, अब आप ये सुन लीजिए, सिखाया ये गया था कि बेल तब नहीं दी जाती है यदि लगे कि जो अभियुक्त है वो एविडेंस के साथ टैम्पर करेगा, मतलब जो एविडेंस है या जो गवाह है उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, है ना, उनसे छेड़छाड़ करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो बेल ऐसे हालातों में नहीं दी जाती। और बेल ऐसे हालातों में नहीं दी जाती जब लगता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं भाग भूग ना जाए, तब भी बेल नहीं दी जाती, या कोई बहुत सीरियस क्राइम होता है तब नहीं दी जाती।
पता नहीं, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, ये मर्डर केस तो नहीं है, ये कोई एक मामला है जिसमें ये कह रहे हैं कि मुझे झूठा फंसाने की कोशिश करी गई है, और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ ड्रग्स या कुछ किसी के कमरे में रख दिए थे, तो इसके लिए इनके ऊपर केस चल रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनके ऊपर केस क्यों चल रहा है। खैर, हमारे यहाँ तो जो जुडिशियरी है वो ना केवल इंडिपेंडेंट है परंतु बड़ी मजबूत है और बड़ी अच्छी तरह से काम करती है। आप लोग भी मेरी इस बात को मानेंगे, है ना, क्योंकि डेट पे डेट तो कभी नहीं मिलती, प्रोसेस जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, केसेस जो हैं उनके लिए कहा ही गया है कि अब जो केसेस आएंगे वे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्या हमारे देश के में जो मैटर्स जुडिशरी के पास जाते हैं जिनमें ट्रायल चलता है वे जल्दी से जल्दी उनका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता? होता है ना, बस 5 महीने, 6 महीने, साल भर, तो साल भर में शायद ये केस भी हो जाएगा। और ये केस कितना पुराना है? 23 साल पुराना। तो खैर, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इस विषय में बहुत कुछ लिखते हैं, शायद वे आईपीएस संजीव भट्ट के मित्र हैं और बड़ी चिंता में रहते हैं उनके, तो मैं उनको कहना चाहूंगी, भाई चिंता क्यों करते हैं? हमारे देश में तो जो हमारी जुडिशियरी है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, बहुत मजबूत हमारी जुडिशियरी है और कानून पे हमें भरोसा करना चाहिए। और हम सब देखते हैं टीवी में, जब भी कोई आता है तो एक ये लाइन होती है जो बोलते हैं वो लोग, और हम सब भरोसा करते हैं अपने जुडिशियरी पे। कहते हैं ना, मुझे कानून पे भरोसा है, मुझे कानून पे भरोसा है, हर व्यक्ति कहता है मुझे कानून पे भरोसा है। तो मैं भी कह रही हूं मुझे कानून पे भरोसा है। कानून जब काम करेगा तब मुझे उस पर भरोसा रहेगा, और कानून तो काम करता, अब कैसे काम करता है ये तो कानून वाले बताएंगे, हम तो केवल स्टूडेंट्स हैं कानून के, तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता हमें, हमारे हम ना समझ है, पर उम्मीद कर रही हूं कि संजीव भट्ट जो है उनको जल्द से जल्द बेल मिल जाएगी और वे अपने केस में अपना पक्ष रखेंगे। यदि उन्हें सजा होनी होगी तो सजा होगी, यदि उन्हें बरी होना होगा तो वे बरी हो जाएंगे, परंतु वे जल्द बाहर आके अपने केस को ठीक तरह से तैयारी करके उसे लड़ सकेंगे। और जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, और बेंच में हमारे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी, उन्होंने जो निर्देशित किया था कि भाई इस मैटर में जल्द से जल्द जो जांच है उसे करके इसको कर लिया जाए केस को, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जजेस हैं वो भी कोशिश करेंगे कि इसमें एडजर्नमेंट्स ना आए और जल्द से जल्द इस केस को समाप्त किया जाए। खैर, ये तो बात हुई इनकी। अब आज बात करना चाहती हूँ मैं आपसे वो वाराणसी के इलेक्शन के बारे में। आपने एक चीज नोट करी है, ये जो इलेक्शन हुआ है ये 7 फेजेस में क्यों हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने सारे फेजेस क्यों हुए। अब ये इतने सारे फेजेस, अब मुझे ये लगने लगा है जैसे ये सारा का सारा जो है ये मोदी जी की मदद करने के लिए किया गया। आप कहेंगे क्यों कह रही हूं मैं, आप मुझे एक चीज बताइए कि मोदी जी के नॉमिनेशन फाइल करने वाले दिन आपने जमावड़ा देखा था काशी में? देखा था आपने कि कितने लोग वहां पहुंचे थे? वहां इतने सारे लोग, अरे भाई रोड शो सुबह से शाम तक 10 से 12 घंटे का रोड शो, और लोग जनता ही जनता। अरे भाई, बाहर से जनता आएगी तो क्या वो भी काशी में वोट करेगी? समझ में नहीं आ रहा कुछ, मतलब गड़बड़ घोटाला के साथ साथ कंफ्यूजन बहुत सारा है। आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे प्रधान सेवक ने हर नेता को और एनडीए के जितने घटक दल है उन सब के जो लीडर्स है उन सबको बुला लिया। कहाँ पे? हाँ जी, वाराणसी में अपनी नॉमिनेशन के लिए। और इतने सारे लोग वहां पे पहुंचे, इतने बड़े बड़े नेता पहुंचे, और उन्होंने क्या किया, केवल वे बैठे जब मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया,
बहुत बढ़िया बात। वो दिखाना चाह रहे थे कि ये जो इनका महामिलावटी गठबंधन है उसके सारे नेता एकजुट है। जी हाँ, इनका वाला महामिलावटी खिचड़ी गठबंधन, आज इसके साथ कल उसके साथ और किसी के साथ भी जो इनका गठबंधन हो रखा है वे सारे लोग वहां मौजूद हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। उद्धव ठाकरे बीच बीच में इनके विरुद्ध बोल देते हैं और वही उद्धव ठाकरे अब इनके साथ एनडीए में हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये वाला मिलावटी वाला गठबंधन है या खिचड़ी वाला गठबंधन है या ये सड़ा हुआ गठबंधन है, ये सड़ी हुई खिचड़ी वाला गठबंधन है जिसमें मिलावट नहीं, कंकड़ पत्थर वाला गठबंधन। ये खिचड़ी बनी हुई है कंकड़ और पत्थर से। अगर आपने इसे खाना है तो याद रखिए मजबूत दांतों की आवश्यकता होगी, वरना आप विभाजित हो जाएंगे। मतलब आपके दांत विभाजित हो जाएंगे। भाई मैं तो दांतों की बात कर रही हूँ, इनसे बहुत डर लगता है मुझे। मैं कुछ नहीं बोलती इनके विरुद्ध, बहुत डरती हूं मैं। और देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, कमाल की बात बता रही हूं। आप देखिए कि इनका वाला चुनाव, आप मुझे ये समझाइए कि इनके वाला जो चुनाव है वो ऐसा क्यों हुआ कि इनके वाले चुनाव में चुनाव को आखिरी वाले फेज में रखा, क्यों? आप बताइए कि क्यों रखा होगा। जी हाँ, आप लोग सोचिए जरा कि इनका वाला चुनाव जो वाराणसी में है वो लास्ट फेज में क्यों रखा गया। और इसी वजह से ये जो चुनाव आयोग है ये पता नहीं कब उठेगा, कब जागेगा, कब कुछ काम करेगा। ये वाला जो चुनाव आयोग है इसे इसे तो सब कुछ ऐसा करना है कि एक स्मूथ फ्री फ्लोइंग प्लेटफॉर्म मिल जाए इस प्रधान सेवक को जिसे आजादी का मतलब मालूम नहीं है और जिसकी वजह से चुनाव आयोग जो है अपनी आजादी को भी दांव पे लगाकर बैठा हुआ है। कमाल की बात यह है कि हमारा चुनाव आयोग एकदम काम इनके लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए सोच के कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने इनका वाला चुनाव आखिरी फेज में रखा। आखिरी फेज में इसलिए रखा ताकि ये वाराणसी में सारे नेताओं को, जितने इनके भाजपाई नेता हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस वक्त, जिस वक्त इनका वाला चरण चल रहा होगा अंतिम चरण, उस वक्त जितने इनके प्रवक्ता हैं हर टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए दिख जाएंगे आपको, जितने इनके नेता हैं वे सारे के सारे पहुंचे होंगे वाराणसी उस समय ताकि वे एक शक्ति प्रदर्शन कर सके। परंतु शब्द क्या है, हमारे नेता हमें ये बातें सुनाते रहे हैं, प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन की बातें। परंतु शक्ति प्रदर्शन का मतलब आप भी समझिएगा कि ये है एक एग्जिबिशन। आप जाते हैं ना ट्रेड फेयर में, जब मेला लगता है आपके शहर में तो आप जाते हैं या नहीं? वो केवल मेला होता है, वहां से आप अपनी जरूरत का सामान जरूर खरीदते हैं, परंतु याद रखिए ये प्रदर्शनियां जो होती हैं ये टेम्पररी होती हैं, ये वहां से उठ के चली जाती हैं। इसलिए जब ये बात करते हैं शक्ति प्रदर्शन का तो मतलब मत भूलिएगा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन का मतलब हुआ कि एक टेम्पररी शक्ति प्रदर्शन। और जब जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे, और ये ना केवल गायब हो जाएंगे आपके अपने क्षेत्र से, वहां की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह चुके हैं कि आप बड़े बदकिस्मत है कि आपका जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे आता है और अपना पर्चा भर के चला जाएगा और उसके बाद गायब हो जाएगा, और जो आप लोग हैं आप लोग मुझे वोट देना, उसके बाद तुम्हारी जो मंदिर है उन्हें तोड़े हम। एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी है मैंने कि पौराणिक इतिहास वाले जो मंदिर है
उनका भी सत्यानाश कर दिया गया है, और वहां पे और किस नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे आपको बता दूं कि ये जो कर रहे हैं ये गांव तक नहीं पहुंच रहे, ये शहरों में जो सड़कें बना रहे हैं वो बाहरी क्षेत्रों में है सड़कें, और केवल बाहरी क्षेत्रों में है। और देखिए ये मत भूलिएगा कभी कि ये कितनी बुरी तरह से डर गए थे तेज बहादुर यादव से, कि कमाल ही हो गया हमारे निर्वाचन आयोग का कि उन्होंने उसका नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया और उसे वक्त नहीं दिया कि वे वहां पहुंच के अपने कागज सबमिट कर सकते। ये बताता नहीं है क्या कुछ? अगर मोदिया मीडिया नहीं दिखाता तो भी हमें पता तो है। आप सब जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक इनकी असलियत पहुंचाइए। जितना ज्यादा आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं इनके कारनामों के बारे में, इन्होंने जो देश का हाल कर दिया है उसके बारे में, आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बता के उन्हें सच्चाई दिखाइए। आज जब मैंने सुना किसी को कहते हुए कि नहीं लोग जो है वो बहुत डरे हुए हैं इसीलिए कोई बोलता नहीं, परंतु जो बोलते हैं वो इतने सारे हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें, कि इन्हें कुछ समझ ही में नहीं आता। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा कतई नहीं है। ये बात मैं बार बार आपको बताती हूं ताकि आप आगे जाके अधिक से अधिक लोगों को बताइए। यदि 2014 की बात करें तो कई जो दल हैं, राजनीतिक दल, वे चुनावी मैदान में थे, और उनमें 31, अगर 100 हम देखें तो 100 में से 31 लोगों ने, जिन लोगों ने वोट डाला, आप मान लीजिए कि 130 लोग हैं तो 30 लोगों ने वोट नहीं डाला। अब जो बाकी 100 लोगों के वोट पड़े, याद रखिएगा कि केवल हर 100 में से 31 लोगों ने भाजपा को वोट दिया या उसके घटक दल को वोट दिया। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो बाकी के थे करीबन 70 लोग, यानी कि 69, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई अलग अलग पार्टियों को वोट दिया। और ये जो कई अलग अलग पार्टियों को वोट दिया उसमें ये हो गया कि उनके वोट बट गए, इसी वजह से ये महागठबंधन बना। और कांग्रेस इनके साथ भले ही ना गई हो, लेकिन या उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ ना लिया हो, परंतु कांग्रेस जो कह रही है उससे साफ है कि वे एक सकारात्मक रोल प्ले करने के ओर अग्रसर है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो ये लोग हैं, जैसे ये 69 जो लोग थे जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को वोट दिया और कांग्रेस ने ये जो महागठबंधन है इसमें हिस्सा नहीं बने, तो ऐसा हो गया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में वोट कट जाएंगे। नहीं, कांग्रेस ने क्या किया है, और कांग्रेस ने कहा भी है, उनके चाहे उनके बातों में ये निकल आया, प्रियंका गांधी की बातों में, या ये उनकी स्ट्रैटेजी और वे चाहते हैं कि हम समझें इस बात को, कि जहां जहां उन्होंने जो अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं वो प्रत्याशियों का काम क्या हो रहा है, वे काट रहे हैं वोट भाजपा का और जो दूसरा कैंडिडेट है वो जीत रहा है, ऐसा उनका उनकी स्ट्रैटेजी है। इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती, इनको क्यों दिक्कत हो रही है? ये जो व्यक्ति है कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, ये कहता है मुझे भाई, इनका एक आपने भाषण सुना होगा जहां इन्होंने जोर शोर से बताया कि मुझे किसी ने गंगू तेली बताया, मुझे किसी ने बंदर कहा, मुझे किसी ने नीच कहा, मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे किसी ने ये कहा, मुझे किसी ने वो कहा। परंतु अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई आपने जो जो कही बातें उसकी भी लिस्ट बना लेते, इनसे बच के रहना भाई, ये लिस्ट बनाते हैं, इनका काम ये होता है, इनकी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर नेता की बातों में से बात निकाल के लिस्ट बनाते हैं। अरे ये व्यक्ति तो खड़े होके बात नहीं कर सकता, इसे तो दो टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए होते हैं, कोई और इनका वो बनाता है स्पीच, उसके अंदर डाल देते हैं और टीवी में हमें इतना सा दिखता है, इधर का टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिखता, इधर का नहीं दिखता, परंतु इस बार दिख रहा है, देखा आपने
टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ, ये ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, इधर से बोलते हैं, फिर इधर से बोलते हैं, और ऐसे करते हैं इधर से। अब मेरी समझ में आया, देखिए थिएटर करती हूँ मैं, इसलिए अब मेरी समझ में आया कि जब कोई चीज इधर है उधर है तो वो ऑटोमेटिक है कि आप ऐसे करके करेंगे। मैं सोचती थी ये हाथ क्यों उठाते हैं सारा टाइम, भगवान को क्यों याद करते हैं। अब समझ में आया, इधर देखते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, फिर इधर देखते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। सोचिए जरा, अगर कभी गलती हो जाए तो जो टेलीप्रॉम्प्टर चलाता है उसकी तो बहुत ही पिटाई हो जाएगी। खैर, ये टेलीप्रॉम्प्टर देख देख कर बोल रहे हैं तो ये भाषण इनके अपने हैं, तो सोच के देखिए कि पूरी टीम लगी होती है अभद्र भाषा को उन टेलीप्रॉम्प्टर्स में डालने के लिए। जब ये कहते हैं ना, जब ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि तक्षशिला कहाँ है। इन्होंने 2014 में, मुझे याद है, तक्षशिला नालंदा की बात करते करते ये तक्षशिला पे चले गए। तक्षशिला के लोग बिहार में बात कर रहे थे और बड़ा सा इनका एक रैली चल रही थी और इन्होंने क्या कहा, तक्षशिला, अरे तक्षशिला तो आज के पाकिस्तान में है। इनको ये भी नहीं पता, इनको नहीं पता होता, ये केवल टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। तो आपको रोबो चाहिए, रोबो रोबोट, आपको रोबोट चाहिए या प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री चुनना है तो जो दिमाग इस्तेमाल करता है उसको चुनिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्वयं पे लेता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिए, ऐसे ऐसी पार्टी को चुनिए या ऐसी पार्टियों के गठबंधन को चुन लीजिए जिनके अंदर इतनी ताकत हो कि वे सच्चाई का सामना कर सके। ऐसे ऐसे लोगों को चुनिए जो देश को आगे बढ़ा सके, ऐसे लोगों को चुनिए जो राज करने के बाद, सत्ता संभालने के बाद अब जो उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में बता सके। इनको देख लीजिए, ये कौन सी उपलब्धि बताई इन्होंने, ये बता ही नहीं रहे कि अच्छे दिन कहाँ खो गए। मैंने देखा था, आपको बताती हूँ कि अच्छे दिन गए कहाँ, आप शायद जानते ही नहीं है कि अच्छे दिन चले कहाँ गए। एक बार बाल नरेंद्र जो है वो खेल रहा था एक तालाब के चारों तरफ, और जब वो खेल रहा था वहां तो उसका एक मित्र आया, फिर उसने कहा मैं सारे मित्रों को लेकर आता हूं और हम यहाँ पे खेलेंगे। जानते हैं उन्होंने एक गेंद बनाई और उस गेंद का नाम क्या रखा, आप मुझे सोच के बताइए कि वो गेंद का नाम क्या था। और वो गेंद इन्होंने उछाली 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 और आज वो गेंद जाके पता नहीं कहाँ खो गई। बताती हूँ कहाँ, बाल नरेंद्र ने एक गेंद ली और उस गेंद का नाम रख दिया था अच्छे दिन। फिर जब वो उसके साथ खेल रहे थे वॉलीबॉल स्टाइल में, वो फेंक रहे थे अपने मित्रों की ओर उस बॉल को, और उनके मित्र जो हैं उस बॉल को कैच करते थे और ये कहते थे अच्छे दिन अच्छे दिन, और फेंक देते थे किसी की तरफ। तो बाकी सब कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, और कभी कोई बॉल पकड़ ला, कभी कोई बॉल पकड़ ला, पर ये नहीं पता था कि ये जो बॉल है ना, ये एक बलून था। और फिर क्या हुआ, इन्होंने वो बॉल जब अपने पास ली तो इन्होंने कहा कि ये वाला बॉल जो है इससे मैं ही खेलूंगा, और फिर वो उसके ऊपर बैठ गए। कौन बैठ गया उस बॉल पे, बाल नरेन, और वो बॉल गई फूट। समझ गए आप कहाँ गए अच्छे दिन, अच्छे दिन उड़ गए, अच्छे दिन चले गए, अच्छे दिन बाल नरेन के पास रह गए। तो ये कहानी है अच्छे दिन की। उन्होंने कितनी बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि हर वर्ष मेरी सत्ता आने दो, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। और जानते हैं 2 करोड़ जो नौजवान थे उनको नौकरी मिल गई। आपको तो पता ही नहीं, आप खामखा ही इनको दोष दे रहे हैं। भाई, ये आजाद भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रधान सेवक है जिन्हें आजादी का मतलब मालूम नहीं, और जिन्होंने आजादी दिलाई हमें 2014 के बाद, और जिन्होंने
अपना जहान बसाया किसी और प्लेनेट पर, और उस ग्रह पर जितने लोग हैं सबको नौकरियां मिल गई। अब आपको पता नहीं तो हम क्या करें, आप उनके बारे में इतनी बातें बोलते हैं कि उन्होंने नौकरियां नहीं दी, नौकरियां नहीं दी। पूछिए जाकर उस ग्रह पर, पता नहीं कौन सा ग्रह है, जो सबसे दूर वाला ग्रह है वो वाला ग्रह, और वहां पे हो ये रहा है कि जितने लोग हैं सबको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई हैं, सब व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं और अच्छे जीवन का यापन कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। आप खामखा ही प्रधान सेवक पर आरोप लगाते हैं। प्रधान सेवक की भाषा सुनी है आपने, प्रधान सेवक के इरादे समझे हैं आपने। ये वही वाला प्रधान सेवक है जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने काम नहीं करने दिया। पहले तो कई वर्ष इनके दिमाग के ऊपर नेहरू जी यूं 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 चक्र मारते रहे। जब ये सोते थे तो क्या होता था, इन्हें दिखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये आंख खोलते थे तो छोटे से पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके चारों तरफ, माथे के चारों तरफ, सिर के चारों तरफ गोल गोल घूमते थे और इनका सिर घूम जाता था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका मजाक उड़ाते थे। बड़ा गलत किया चाचा नेहरू आपने, आपने इस प्रकार से हमारे इस प्रधान सेवक का मजाक क्यों उड़ाया। छोटा सा बाल नरेन था और तभी से ये सफेद बाल नरेन हो गया, क्योंकि आपने इन्हें इतना दुखी किया, इतना दुखी किया, इतना दुखी किया कि जब ये प्रधान सेवक बने तो ये आ गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और क्या किया, एक लॉकर में जहां राफेल की फाइल थी वहां से फाइल निकाली और फरार हो गए, और फिर दिखा दिखा कर चिढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस फाइल को उठा के छुपा दिया है कश्मीर में, और इन्हें पता ही नहीं जो सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई ना इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए वाली, और मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था देश को इन्होंने डुबो दिया, देश को कर्जों में डुबो दिया है। आज 80 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे देश का नेशनल डेट है, राष्ट्रीय कर्जा, और ये समझ लीजिए कि अगर 67 सालों में भारतवर्ष ने 100 रुपए का कर्जा लिया तो इन 4 साल 9 महीने 31 दिसंबर 2018 तक इन्होंने 57 रुपीज और 57 रुपए और का कर्जा उस पे बढ़ा दिया, और अब तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे कार्यकाल में इन्होंने शायद 60 रुपए से भी ज्यादा हर 100 रुपए पर कर्जा ले लिया। मतलब आजादी से 2014 तक जो कर्जा भारत ने लिया था वो था अगर 100 रुपया, तो इन्होंने और उसमें 60 रुपए केवल 5 वर्षों में बढ़ा दिए। भाई ये कैसा इकोनॉमिस्ट है, इनके पास वो कौन सी वाली डिग्री है पॉलिटिकल साइंस की, एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, ये कुछ खास डिग्रियां होती हैं। इनकी डिग्रीज के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, परंतु अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इनकी आवश्यकता अब देश में नहीं है, परंतु इनके लिए हमारी स्वायत्त संस्थान, ऑटोनॉमस बॉडी, हमारा चुनाव आयोग, जिससे हमें अपेक्षा है कि वो निष्पक्ष काम करे, वो नहीं कर रहा है। वो केवल और केवल इनके लिए काम कर रहा है, वो दबाव में काम कर रहा है, या इनका साथ देने के लिए काम कर रहा है, या इन्हें जिताने का काम कर रहा है, ये तो यही बेहतर जानते हैं। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने आखिरी अंतिम चरण के मतदान जहां होंगे उन्हीं में से एक जगह है वाराणसी, इससे साफ हो गया है कि हमारा जो ये चुनाव आयोग है वो क्या कर रहा है, वो जानता है, वो हर तरह की कोशिश करेगा। और मार्जिन देखिए, जीतने की जहां तक बात है तो ये सभी कह रहे हैं कि प्रधान सेवक जो हैं वाराणसी से जीतेंगे,
और इसी वजह से तो इन्होंने हर वो चीज कर दी जिससे कोई भी इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध कोई भी आवाज ना उठ सके। जिस प्रकार से इन्होंने तेज प्रताप यादव को हटवाया, जिस प्रकार से उसका नॉमिनेशन कैंसल हुआ, उसकी सुनवाई तो हो सकती थी। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? एक स्मूथ सेलिंग इनको चाहिए। और क्यों हटाया गया? क्योंकि अगर बीएसएफ का जवान इनके विरुद्ध चुनाव लड़ता तो क्या होता बंधुओं? तो सवाल उठता राष्ट्रवाद पे, और राष्ट्रवाद कौन हो, राष्ट्रवादी ज्यादा कौन होता? तब बीएसएफ का जवान होता या ये प्रधान सेवक होता जो खाली बड़बोला है, जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, जिसे यही नहीं पता कि उसे बोलना क्या है, उसे बोलना क्या कब चाहिए। जब वो मुंह खोलता है तो उसमें से झरझर झरझर करके बहुत सारी बातें निकलती है जो कानों को एकदम तकलीफ देती है। ये कहते हैं, अब आप मुझे एक बात बताइए, बचपन में जब आपने किसी, आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ होगा और आपने अपने माताजी पिताजी को ये बात बताई होगी, उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने या तो कहा होगा भाई जाके तू भी पीट देते, और या कहा होगा कि अगर वो कुएं में कूदेगा तो क्या तुम भी कुएं में कूदोगे? और ज्यादातर जो माता पिता होते हैं अपने अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो यदि किसी ने कि उनके विरुद्ध खराब भाषा का प्रयोग किया तो क्या इन्हें भी वो ही करना चाहिए? मगर इनको तो करने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि ये जानते हैं कि अब ये चोर डिक्लेयर हो चुके हैं, ये डकैत डिक्लेयर हो चुके हैं, और इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ना केवल इन्होंने ये कहा, दूसरों के लिए बुरी बुरी बातें कही, कांग्रेस की विधवा बताया, राजीव गांधी जिनकी शहादत के बारे में हम सब जानते हैं, हेमंत करकरे जिनकी शहादत को हम नमन करते हैं, उनके विरुद्ध की जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है देश में उससे हम शर्मसार है, और सभी सभी देशवासियों की तरफ से मैं आज दोबारा उनसे माफी मांगती हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परंतु आपने देखा कि किस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा ने बोला था कि भाई मेरे श्राप से, अरे श्राप ही देना था तो श्राप देते कि भाई देश में से गरीबी हट जाए, श्राप देती हूँ गरीबी को कि वो देश छोड़ के चला जाए, श्राप देती हूँ भ्रष्टाचार को कि वो देश छोड़ के चला जाए, श्राप देती हूँ आतंकवादियों को कि वे सारे के सारे दुनिया से गायब हो जाए, श्राप देती हूँ जितने गलत लोग हैं उनको ताकि देश खुशहाल बने। इन्होंने देश सेवा करते हुए एक आईपीएस जिनकी शहादत को देश याद करता है, जिनका कृतज्ञ है देश, इन्होंने उन पर किस प्रकार के सवाल उठा दिए, उस पर एक डिबेट छिड़वा दी। और इस व्यक्ति को देखो, ये कहते हैं क्या, और ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या, मतलब चित भी मेरा और पट भी मेरा। कहते हैं कि राजीव गांधी की शहादत को तो हम मानते हैं, परंतु उनकी जो बातें हैं बाकी, उनको हम जो गलत बातें हैं उनके बारे में तो कहेंगे, तो ये क्यों कहा कि मरते वक्त भ्रष्टाचारी नंबर वन? मतलब मरते वक्त का क्या मतलब है? जिस वक्त वे शहीद हुए, वे एक आतंकवादी घटना में मारे गए, उनका असैसिनेशन हुआ, भूल गए क्या? तो उस वक्त आपने ये कह दिया कि उस वक्त भ्रष्टाचारी नंबर वन कहां से आ गया? आप कुछ, आप इस तरह की जब बात करते हैं तो दुख इस बात का होता है कि आप लोग ये चीजों, जब इस तरह की बातें होती हैं तो हम इन चीजों को समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। हमें ये समझ ही में नहीं आता कि जो चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही है, क्योंकि हम दूसरों की बातें सुनने लगते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है या जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं वे गलत है, उसके विरुद्ध हमें सवाल उठाने की आवश्यकता है, इन्हें आईना दिखाने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि ये भी हमारे प्रधानमंत्री है ना, कल को यदि इनके बारे में
आज नहीं आज से 50 साल बाद कोई इनके बारे में कुछ बोलेगा तो क्या ये उस व्यक्ति को शोभा देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम ये क्यों, ये जब सवाल उठाते हैं दूसरों पर तो ये अपने सवाल क्यों भूल जाते हैं। मान लिया कि 1984 में जो दंगे हुए थे उससे खराब घटना नहीं हो सकती थी। बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे जैसे देश में ऐसा हुआ। और इसके लिए जहाँ तक मुझे याद है सोनिया गांधी जी ने माफ़ी भी मांगी थी। तो लेकिन यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ 2002 के दंगों के लिए मोदी जी आपने माफ़ी मांग ली है क्या? कब मांगी पता नहीं चला। आजकल आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ तो आप राहुल गांधी के स्टाइल में कर रहे हैं, तो आप हमें ये तो बता दीजिए कि आप माफ़ी कब मांगेंगे। यदि मांग ली है तो उस वीडियो को तो वायरल कर दीजिए। आप रवीश कुमार को अपना इंटरव्यू कब देंगे, अभिसार शर्मा को अपना इंटरव्यू कब देंगे, ये तो बता दीजिए मोदी जी। अब आप जब चले जाएंगे क्या तब देंगे? खैर ये तो आपकी आपकी इच्छा है कि आप कब दें। लेकिन अब जो बात मैं आज करने जा रही हूँ वो है हमारे ये द ग्रेट डिवाइडर। ये जो ग्रेट डिवाइडर इंडिया का जो ये डिवाइडर है, कौन सा वाला डिवाइडर? जी हाँ, द ग्रेट डिवाइडर। आतिश तासीर है जो जिनके पिताजी पाकिस्तान के एक नेता थे। और आपको याद कराना चाहूँगी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जिस प्रकार से बात करी जा रही है ये पाकिस्तानी है, नहीं जी इनकी माताजी हिंदुस्तानी है और इनकी माताजी तवलीन सिंह है जो जर्नलिस्ट है। और तवलीन सिंह जो है वो धुर सपोर्टर है आज की जो गवर्नमेंट है, आज की सरकार की, और उन्हीं के पुत्र है आतिश तासीर। और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा टाइम्स में, और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद से जितने हमारे भाजपाई हैं वे कहने लगे हैं कि ये पाकिस्तानी है। तो मैं इनके पिताजी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इनके पिताजी का पूरा नाम मुझे याद नहीं है, परंतु जो याद है वो ये है कि उनको भी श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने मार गिराया था, गोलियों से भून दिया था। और मुझे नंबर याद नहीं है पर मुझे याद है कि बहुत सारी गोलियां उन्हें मारी गई थी उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा। और क्यों हुआ था ये? ये इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उसमें एक कोई महिला का मैटर था जिस मैटर को ये जो मिस्टर तासीर थे ये उठा रहे थे। और इससे नाराज थे जो कट्टरपंथी थे, जैसे हमारे यहाँ कट्टरपंथी कुछ होते हैं, उनके यहाँ उनके रिलीजन धर्म वाले होंगे, तो वो जो कट्टरपंथी थे वो इनसे नाराज थे कि क्यों ये उसकी तरफ से बोल रहे हैं। मुझे मैटर एग्जैक्टली याद नहीं है, ना मैंने उसको दोबारा चेक किया, परंतु मुझे अभी याद आ गया तो आपको बता रही हूँ। इसी वजह से, क्योंकि वे उसको सपोर्ट कर रहे थे उस महिला को, उनको गोलियों से भून डाला गया था। क्यों? क्योंकि वहां की माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी उन्हें लग रही थी कि हो रही थी, और एक महिला का उन्होंने साथ दिया था कि भाई इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 20 मई 2019 का जो टाइम मैगजीन का जो एडिशन है उसमें एक जो कवर फोटो है वो है हमारे प्रधान सेवक का, और उस पे लिखा हुआ है डिवाइडर इन चीफ, मतलब जो सबसे मतलब प्राइम है, प्राइम समझ के ना, प्राइम टाइम, प्राइम टीवी, प्राइम मिनिस्टर, तो जो सबसे मेन है, तो डिवाइडर इन चीफ इन्हें क्यों कहा गया। और इसमें ये बताया गया, ये इस पर सवाल उठाया गया कि क्या भारत में मोदी सरकार के, मोदी जी के 5 साल और अगर आ जाए तो क्या भारत जो है इसे झेल पाएगा। जी हाँ, क्या भारत यानी कि हिंदुस्तान इसे झेल पाएगा। और इसमें देखिए किस प्रकार से
बात हुई है, उन्होंने क्या क्या बातें कही, वो सारी बातें हैं। परंतु सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहाँ ये कहते हैं और इनके सारे जो भक्तगण हैं कहते हैं कि पूरी दुनिया में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि इनके जैसा प्रधान सेवक है ही नहीं, वहाँ पे ये क्या हो गया भाई, वहाँ पे ये हो गया कि ये जो है ये ग्रेट डिवाइडर यानी कि डिवाइडर ए चीफ बना दिए गए। और उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इनकी क्या ये इनके 5 साल और आ गए तो देश में क्या हो सकता है, और इसमें कई सारी बातें गई गई हैं क्योंकि, और ये जो बात है ना डिवाइडर इन चीफ, ये चुभी बड़ी होगी, बहुत अंदर तक जाकर चुभी होगी, क्योंकि सच्चा सच जो होता है वो क्या होता है, जी हाँ बंधुओं, सच जो है वो बहुत कड़वा होता है, और ये वाला सच बिल्कुल सच्चा है, और इसीलिए क्योंकि ये सच इतना कड़वा है, ये बहुत तकलीफ दे रहा है हमारे प्रधान सेवक को और उनके भक्तगणों को। इसमें जिस प्रकार से ये चुनाव चल रहे हैं, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो ये मान रहा है कि देश को विभाजित किया जा रहा है, इसमें ये माना जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे लोग अपने नेताओं को स्वयं चुनते हैं, परंतु जब एक सरकार जो है उस जो राजनीतिक दल उस सरकार को बनाती है, जब वो पोलराइजेशन में लग जाए और जो लोग उनके विरुद्ध खड़े हैं उन सब को ये बता दे कि ये ट्रेटर्स है, यानी कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देशभक्त नहीं है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, उनके राष्ट्रवाद पे सवाल उठाने लग जाए तो, और उन्हें कहा जाए कि वे छोड़ के चला जाए, तब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसमें ये है कि मोदी क्यों मैटर करते हैं, और मतलब भारत देश के बारे में ये भी कहा गया है कि भारत की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ताकि हम एक ग्लोबल पावर बन जाए, परंतु क्या ये डिलीवर कर सकेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने जो हमारी नौसेना है और थल सेना है उन्हें किस प्रकार से इसमें भुनाया है इन चुनावों के दौरान, किस प्रकार से जो हमारी जो सेना है उन्होंने ये कह दिया कि हमें तो ये नहीं पता कि जो टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जो सितंबर 29, 2016 के पहले हुए, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता नहीं। और हमारा प्रधान सेवक क्या बोलता है, कहता है शर्म नहीं आती भाई इसे, ये कहते हैं कि ये क्या वीडियो गेम खेल रहे थे, यानी कि इन्होंने सवाल उठाए किस पर है। यदि किसी नेता ने ये बात कही है तो सोच समझ के तो बोल लेते, प्रधान सेवक ये बोला आपने कि क्या ये वीडियो गेम खेल रहे थे, दुनिया को क्यों नहीं पता चला, आपकी तरह बस ढिंडोरा पीटे, आपकी वो फोटो है मुझे बहुत याद है वीडियो जिसमें आप ढोल पीटते, आप ढोल पीटिए, काम करना इसे नहीं कहते, तभी तो आप काम नहीं कर पाए। और किस प्रकार से आपने इतनी सारी झूठी बातें कही, जब ये कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान, तब ये कहलवा दिया गया कि भाई हमें इसके बारे में नहीं पता, भाई चुप ही रह जाते, अगर वे बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए, अगर वे गलत हैं तो अपने आप उसके बारे में जो आपके आपकी मीडिया है मोडिया मीडिया वो पता लगा लेगी। परंतु आपने उन पर सवाल उठाया और उन पर सवाल उठा के आपने देश की सेना का अपमान कर दिया, आप जो है देश को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, जो भारतवर्ष जिसमें अलग अलग रंग अलग अलग वेशभूषा अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं आप उसको तोड़ रहे हैं, इसीलिए भारत को आपकी आवश्यकता नहीं है, आप देश को विभाजित करने वाले हैं, आपने देश को बहुत हद तक विभाजित करने की कोशिश करी धर्म के नाम पर, आप
फेल हो गए, इसीलिए आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, आप फेल हो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी तरह से आपके इन सारे एंडेवर्स को फेल करा दिया एक अपने स्लोगन से, चौकीदार ही चोर है। और इसका जवाब आपके पास नहीं है। आपने इसके जवाब में क्या कहा? आपने कहा मेरा नाम चौकीदार, यानी कि आप ही हैं वो चोर। आप देख रहे हैं कि देश में पोलराइजेशन हो नहीं रहा, लोग इनके विरुद्ध बोल नहीं रहे हैं, जितने लोग हैं वो सब एकजुट होते जा रहे हैं, आपके विरुद्ध आवाज उठ रही है, और आप देख रहे हैं कि आपकी ट्रोल आर्मी भी काम नहीं कर रही है सोशल मीडिया पर। तो आपको ये लगा कि ना तो जो ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें भी ये दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हर तरीके से फेल हो रहे हैं। आपका जो ये परसोना बनाया गया था, एक इमेज बनाई गई थी, ये इमेज बनाई गई थी लोगों के मन में, और ये बनाई गई थी सोशल मीडिया के जरिए। तो असली हकीकत में तो आप काम कर ही नहीं पाए, आप सोशल मीडिया वाले आइकॉन ही बनकर रह गए। आप देखिए, आपके डीएनए की बात करी जाती है तो आपकी डीएनए में विभाजन करने की राजनीति है, आप विभाजन करने के प्रतीक हैं, आप विभाजन के प्रतीक हैं, क्योंकि आप उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, आप उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो देश को केवल विभाजित ही कर सकता है, लोगों को एक साथ ला ही नहीं सकता। आपके अंदर जो नफरत की भावना है, आप एक धर्म के लोगों से नफरत करते हैं, आप जो एक आप बात करते हैं अपनी नीच जाति की कि मैं पिछड़ी नहीं, पिछड़ी से भी पिछड़ी जाति का हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, और इनके सारे भक्तों से भी जानना चाहती हूँ कि क्या इन्हें इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि ये पिछड़ी जाति के हैं, ये बहुत ही बेचारे हैं, क्योंकि इन्हें कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी और बसपा आरएलडी जो भी है ये सब इन्हें बेचारा बोलते हैं, इन्हें चाय वाला बोलते हैं, इन्हें खराब बातें बोलते हैं, इसलिए चुना जाना चाहिए है? बताइए भक्तगण, इन्हें क्यों चुना जाना चाहिए? क्या इन्हें इसलिए चुना जाना चाहिए क्योंकि ये बेचारे मजाक का पात्र बन गए हैं, क्योंकि लुटियंस दिल्ली जो है उन्होंने इनको लूट डाला है, इनकी तो मतलब इनके बारे में खराब बातें बोली है, इनकी इज्जत नहीं करते, क्या इसलिए चुने इनको, इसलिए चुना जाता है नेता? और इनको क्यों चुना जाए भाई? सांसद को चुनिएगा आपका, जिनका जो मतदान करने जा रहे हैं सोमवार के दिन, आप सब याद रखिएगा कि आप सोमवार या कल, जी हाँ आप याद रखिएगा कि आप उनको वोट दें, जी हाँ उनको वोट दीजिएगा जो सशक्त लोग हैं, और बेहतर सांसद चुनिएगा, और बेहतर सांसद बेहतर प्रधानमंत्री चुन लेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर डर है कि पता नहीं देश में क्या होने वाला है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए, देश जो है कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जब इतने सारे लोग साथ में आ गए हैं, सबकी ऊर्जा मिल गई है, सकारात्मक सोच जो है वो साथ में है, अपनी ऊर्जा को इनकी ओर भेजिए, अपने नेताओं की ओर भेजिए, ताकि वे बेहतर तरीके से जीत कर संसद में जाएं, और जब वे संसद में जाएं तो वे एक बेहतर नेता को प्रधानमंत्री बनाएं। और देश में जिस तरह के 5 साल गुजरे हैं, जिस प्रकार से नफरत की आग फैली है, जिस प्रकार से हम लोगों ने डर के माहौल में जीते हुए लोगों को देखा है, जिस प्रकार से देखा है कि किस प्रकार से लोग परेशान रहे हैं, किस प्रकार से नोटबंदी ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, किस प्रकार से लोग जो हैं वो उनके बिजनेस सफर करे हैं, किस प्रकार से उन्होंने तकलीफें झेली हैं, किस प्रकार से लोगों का मजाक उड़ाया गया। याद है आपको नोटबंदी के बाद ये शायद जापान गए थे और वहां एक मीटिंग में इस प्रधान सेवक ने क्या कहा था, घर में बेटी की शादी है और जेब में पैसा नहीं है,
और जब ये बात इन्होंने कही ना, और जितनी बार मुझे ये बात याद आती है मुझे दुख होता है कि ये परिवार का मतलब नहीं समझे। आप समझिए, जब हम बार बार कहते हैं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, पर सत्ता की लोलुपता तो है, और अगर नहीं होती तो इस प्रकार से इतनी ओछी नीची राजनीति ना हो रही होती। भाषा का स्तर आप भी जानते हैं, सभी कोई कह रहे हैं भाषा का स्तर कितना नीचे गिर गया, और किसने शुरुआत करी। आप जाएंगे, अच्छा इनको इतनी बातें कही गई, तो भाई जब 2002 हुआ तो उसके बाद इनको बातें तो कही ही जानी थी, क्योंकि ये नहीं रोक पाए थे वहाँ के दंगे, ये नहीं रोक पाए थे हत्याएं वहाँ पे महिलाओं की, जो गर्भवती महिलाएं थी उनका उनके बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं हुई, उनके पेट चीरकर बच्चे निकाल लिए गए, बुजुर्ग बच्चे महिलाएं किसी को नहीं देखा गया, लोगों को आग के हवाले कर दिया, लोगों को काट डाला गया। तो पूछना तो लाजमी बनता है, और उस वक्त लोगों के अंदर गुस्सा था, जैसे 1984 के दंगों में, 1984 के दंगों के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, क्या आप और मैं हम सब उनके प्रति एक गुस्सा नहीं है हमारे अंदर? क्या हम नहीं चाहते कि जो भी व्यक्ति उसका जिम्मेदार रहा होगा, हर उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए? ऐसा कौन सा भारतीय है जो ये सोच लेगा कि 1984 के दंगे हो या 2002 के दंगे, दोनों में फर्क है, दोनों में कोई फर्क कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हत्या हत्या होती है। किसी की भी हत्या हुई है, किसी ने भी करी है, उसको सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, मगर कम से कम जस्टिस होना चाहिए, कम से कम न्याय होना चाहिए। परंतु न्याय का तो हमारे देश में आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपने फिल्म में बताया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसलिए उसके बारे में तो कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परंतु आपको ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये जो डिवाइडर हैं, ये जो ग्रेट डिवाइडर हैं, डिवाइडर इन चीफ है, इनसे अपने देश को हमें बचाकर निकालने की अब आवश्यकता हो गई है। इसलिए सोच समझ के करिएगा अब की बार अपने मताधिकार का प्रयोग। हमें सोचना है कि हमें किस प्रकार की सरकार को लाना है। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मुझे याद आती है वो, मैं आपको बता रही थी, वो तस्वीर याद आ जाती है कि किस प्रकार से एक बूढ़े व्यक्ति थे, पतले से, लंबे से, और उनके हाथ में उन्होंने कैथेटर पकड़ रखा था, और वो जो वॉकर होता उसे पकड़ कर गए थे, और वो रो रहे थे कि मुझे इलाज के लिए, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरा बेटा विदेश में है और मैं अपने बेटे के साथ नहीं रहता हूँ, अपने पैसे लोग नहीं निकाल पाए, और किस बात की सज़ा दी गई हमारी सरकार द्वारा हमारे लोगों को? और यदि हमारी सरकार ने हमारे लोगों को सज़ा दी तो किस बात की सज़ा दी? ऐसे लोगों को क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये लोग जो इस तरह की बातें करते रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं हुए? क्या इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं कर दिया कि जिसमें लोगों की आमदनी ख़त्म हो गई, उनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो गई, उनकी जानें चली गई? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? मैं जानती हूँ कि ईश्वर देख रहा है और ईश्वर इनका न्याय अवश्य करेगा, परंतु आप बताइए कि क्लोजर कैसे होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब झेला है, और ये सब झेला जिन लोगों ने भी है उन लोगों के लिए हमें सोचना होगा। यदि आप और मैं इतने किस्मत वाले हैं कि हमें ये सब नहीं झेलना पड़ा, तो आप और मैं, हमें जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी और उन लोगों की आवाज़ बननी पड़ेगी जो आज देश में नहीं है, क्योंकि वे लोग हमारे अपने लोग थे, वे हमारे साथी थे, और यदि उनके साथ गलत हुआ है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको न्याय मिल जाए, इसके लिए कोशिश करें, इसके लिए तत्पर रहें। भाइयों और बहनों, दोस्तों, मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा है, देखिएगा वाराणसी में क्या होगा,
अंतिम चरण के मतदान के दौरान देखेगा कि किस प्रकार से सारे लोग वहां पहुंचेंगे। भाजपा के जितने नेता हैं वे सारे पहुंचेंगे और किस प्रकार से मोदी जी की इलेक्शन कैंपेनिंग होगी। ये प्रधान सेवक है या हिटलर के पिताजी? ये है हिटलर शाही, ये है तानाशाही। देश को इससे बचाना है। मेरी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात करना चाहती हूँ, महिला हूँ, आतिशी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आतिशी के बारे में, आतिशी कौन? आतिशी मालनेना जो है वे आपकी प्रत्याशी है पूर्वी दिल्ली से। उनके विरुद्ध भाजपा की ओर से कौन चुनाव लड़ रहा है? उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, घमंडी, एरोगेंट और राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व व्यक्ति। कहा जाता है कि गौतम गंभीर के विरुद्ध कोई रियल एस्टेट के मैटर में कुछ नोटिस मिले उन्हें दिसंबर 2018 में, और फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया भाजपा को। तो कारण तो मिल गया ज्वाइन करने का, जो भी कारण रहा होगा। परंतु अब क्या हुआ, दिल्ली में आतिशी मालनेना के बारे में उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए एक पैम्फलेट बांटा गया। उस पैम्फलेट में क्या लिखा था जानते हैं? इतनी अभद्र बातें लिखी गई थी एक महिला के बारे में, और वो क्या अभद्र बातें थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। परंतु इस घमंडी प्लेयर के बारे में जरूर बात करना चाहती हूँ। ये घमंडी प्लेयर आपने भी देखा है क्रिकेट फील्ड में, और हमने इसका घमंड क्रिकेट की फील्ड में अवश्य देखा है। परंतु इसकी राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण क्या है वो सुनिए। मुझसे छोटे हैं, मैं उन्हें अपने छोटे भाई की तरह समझाना चाहती हूँ कि आपके पास इतना दिमाग है, आप देश के माने हुए खिलाड़ी हैं, थोड़ा सोच तो लेते कि ये पॉलिटिशियंस है, ये राजनीतिज्ञ हैं, ये आपको जो कह रहे हैं आपने वो क्यों कर दिया। मैं जानती हूं और उम्मीद भी मुझे पूरी है कि वो जो पैम्फलेट है वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बंटवाए होंगे, नहीं छपवाए होंगे। परंतु इन्होंने नोटिस भेज दिया क्रिमिनल डेफेमेशन का आतिशी मालनेना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। और जानते हैं वो नोटिस गया कहाँ से? जेटली, जी हाँ, जेटली एंड बख्शी चेंबर से, अरुण जेटली जी की ओर से गया। तो आजकल आप किसकी बात मान रहे हैं गौतम गंभीर जी? एक हारे हुए राजनीतिज्ञ की बात मान रहे हैं जो कोई इलेक्शन जीत ही नहीं पाए? अगर ये किसी गांव के प्रधानी, अपने ही किसी गांव के प्रधानी का इलेक्शन लड़ लें तो ये शायद वो भी ना जीत पाए। ये इनके ऊपर कीर्ति आज़ाद ने आरोप लगाए हैं और कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है दिल्ली की जो क्रिकेट काउंसिल कमेटी है उसमें। पर आपकी समझ में नहीं आया इनके कहने पे या स्वयं आपने इनको नोटिसेस भेजे? ये राजनीतिक अपरिपक्वता है। आपको तो ये कहना चाहिए था कि जैसे ही आतिशी और मनीष सिसोदिया ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको उस वक्त इमीडिएटली कहना चाहिए था इस मुद्दे पे मैं आतिशी के साथ हूँ, वे मेरी विरोधी ही क्यों ना हो, परंतु किसी महिला के बारे में यदि किसी ने भी इस प्रकार का पैम्फलेट छपवाया है तो मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से नहीं हुआ और इसमें जांच अवश्य होनी चाहिए। इसमें जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, वह तो केंद्र सरकार के अंडर आती है। और यदि गौतम गंभीर ये कह देते कि इस मैटर में मैं आतिशी मालनेना के साथ हूँ, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी महिला के बारे में इतनी अभद्र बातें कही जाए, और मैं उनकी तरफ
हाथ बढ़ाता हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि मुझे भी पता चल गया कि किसी ने ये किया है तो मैं स्वयं उसको आपके सामने लाऊंगा। परंतु यदि आप भी पता लगाइए कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं, ये तो राजनीति है, चुनाव के समय बहुत कुछ होता है, पर राजनीतिक परिपक्वता क्यों नहीं दिखाई आपने गौतम गंभीर? आपने जो कर दिया उससे आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता नज़र आ गई, और ये भी नज़र आ गया कि आप इन राजनीतिज्ञों को नहीं समझ रहे हैं, आप गेंद बन गए हैं, आप पिंग पोंग बॉल बन जा रहे हैं, आप यकीनन समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। घमंडी आप हैं वो हम जानते हैं, उससे हमें इतनी परेशानी नहीं थी, परंतु जो आपने कर दिया ना कि जिस तरह से आपने शक्लें बनाई, टीवी पर आपको दिखाया गया, कहा कि मैंने उनको नोटिस भेजा है और अगर उन्होंने अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया तो उसे प्रूव करके दिखाए, तो भाई आपके प्रधान सेवक इतनी गलत गलत बातें बोलते, इतनी झूठी बातें बोलते हैं भाई, उन्होंने तो तक्षशिला तक को बता दिया पाकिस्तान में, तो जगहों को भी बदल देते, भूगोल भूगोल सब अपने इतिहास वगैरह सब अपने हिसाब से बदल देते, वो थे ना कौन पता नहीं कबीर ना कौन, किन किन को सबको इकट्ठा बता दिया था एक ही समय में, सब अलग अलग शताब्दियों में जन्मे हैं। तो भाई आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी महाशय? अब बंधुओं मैं उस चिट्ठी के बारे में बात करना चाहती हूँ, कल उस चिट्ठी के बारे में फिर से डिटेल में बात करूँगी, पर आज आपको ये बता दूँ कि उस चिट्ठी में लिखा क्या था। उस चिट्ठी में लिखा था कि आतिशी मार्लेना के पिताजी शायद यूपी के हैं या हरियाणा के कहीं के हैं, और माताजी उनकी पंजाबी हैं, और सबके नाम दे रखे थे, और पति जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं और बीफ खाते हैं। तो क्या कर ले, किरण रिजिजू नहीं खाते बीफ? आपके जो पार्टी में लोग हैं उनमें से कोई भी बीफ नहीं खाता? आपका वो कौन है, संगीत सोम है ना, कौन है, किसका है वो जो फैक्ट्री है बीफ वगैरह की एक्सपोर्ट होती है जो? भाई आप मुझे ये बताइए कौन बीफ खा रहा, फिर एक महानुभाव इनकी पार्टी का टीवी पर आता है, भाई न्याय इतनी बज्जात आदमी है, टीवी पर आके कहता मैंने खुद देखा है उनको बीफ खाते हुए, भाई तो क्या हो गया? अगर वो बीफ खा रहे तो उनके खिलाफ कंप्लेन लिख दो, पैम्फलेट छापोगे, उनकी पत्नी पे आरोप लगाओगे। और फिर सुनिए क्या कहा कि ये प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और कौन, दिस इज नोन एज द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। जी हाँ, इसे कहते हैं कि डेक्चा जो काला हो गया है वो केतली को कह रहा है कि तू काली है। कौन किसको कह रहा है, आईना खुद को दिखा दो। एचआरडी मंत्रालय, केंद्रीय एचआरडी मंत्रालय दे दिया था अनपढ़ को, स्मृति ईरानी को, जिसको अपनी डिग्री नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है, जिसको यही नहीं पता मैंने बीए किया है या बीकॉम किया है, पूरा किया है या फर्स्ट ईयर किया है, या मैं खाली ट्वेल्थ पास हूँ और जो मैं जाती हूँ तो मैं लड़ती हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, उन्हें पता नहीं, उनको दे दिया। आप आतिशी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो आंध्र प्रदेश में पढ़ाती थी प्राइमरी स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में वो क्योंकि पढ़ाती थी तो दिल्ली के स्कूलों की कैसे देखभाल कर सकती है? क्या दिल्ली के लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप ऐसे ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं कि वे स्कूलों को ठीक कर सकेंगे? भाई ये तो हो गई एक बात। चलिए आप सुनिए फिर क्या लिखते हैं, ये जो एक शब्द है ना सेक्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं की मॉडेस्टी से खेलने के लिए। जाना सभी कोई जानते हैं कि इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो महिलाएं जो हैं अपनी नजरें उठा नहीं पाती, ये इस प्रकार इसी प्रकार से हम बड़े होते हैं। परंतु ये शब्द तो पुरुषों के लिए भी उतना ही उसी प्रकार का होना चाहिए ना, कि ये पर्सनल चीज़ होनी चाहिए। इस पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि आतिशी जो है एक व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाए गए सेक्स करते हुए, तो इनको क्या दिक्कत है? तो मतलब आतिशी ये कर रही थी, आप जो नेता हैं बाकी जिनके विवाह हो रखे हैं या जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, तमाम आपके वीडियोस हैं, उनको भी एक कंपाइल करके क्या पोस्ट करूं? क्या केवल मतलब महिला के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, अपने नेताओं पर भी आरोप लगा लीजिए हैं,
या वो आपको उससे कुछ दिक्कत है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे क्या लेना देना है इलेक्शन का और चुनाव का, और चुनाव के बाद अगर वो जीत जाए तो उनकी परफॉर्मेंस का। आप महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं, आप लोग सचमुच में दुर्योधन और दुशासन हैं। दुर्योधन और दुशासन से भी कई गुजरे हैं जो आज के समय में जब बातें हो रही हैं महिला सशक्तिकरण की, जब बातें हो रही हैं बेटियों को बचाने की, तब आप महिलाओं को इस प्रकार से निर्वस्त्र कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पाई गई तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? क्या तुम ऐसे ही पैदा हो गए या तुमने ये नहीं किया? जो चीज पर्दे में रहनी चाहिए उन्हें पर्दे में रहने दीजिए महानुभाव नेता। इस प्रकार का यदि किसी के बारे में भी कुछ भी छाप कर बांटा गया तो क्या हर नेता को सामने आके नहीं कहना चाहिए था कि इसकी जांच करी जाएगी और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? ये गलत है। इसमें आगे लिखा गया कि इनके पति इनके साथ नहीं रहते, तो उनके पति इनके साथ नहीं रहते, अरे तुम्हारे वाले प्रधान सेवक ने तो अपनी पत्नी छोड़ रखी है, परंतु 3 तलाक की बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने भी तो अपनी पत्नी छोड़ी है। अगर उन्होंने वो अपने पति के साथ नहीं रहती तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? यदि तकलीफ है तो प्रधान सेवक का घर तो बसा दो, बस एक बार प्रधान सेवक का घर बसा दो, वहां विकास ले आओ। प्रधान सेवक को प्यार की आवश्यकता है, एक महिला की आवश्यकता है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, उन्हें प्रेम का रास्ता दिखा सकते हैं। और ये केवल एक महिला कर सकती है जो अपना परिवार बसाती है। देखिए कि किस प्रकार का सैक्रिफाइस उनकी पत्नी ने किया। उनकी बातें आप नहीं कहते, परंतु उन्होंने पत्नी छोड़ दी तो ठीक है, आतिशी मार लेना अपने पति के साथ नहीं रहती तो आप बातें बनाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स किस बात के? शर्म नहीं आई आपको? सोचिएगा इस बारे में, और कल आपसे मैं दोबारा इस बारे में बात अवश्य करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।